हे hey, स्वागत है आपका एस कासियन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था जो आपको गेस्ट टीचर देखने को मिलते टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए, ठीक है, चाहे हम केवीएस एनवीएस या डी ट्रिपएसबी के माध्यम से जो भी आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, ठीक है, जो इसमें आपको गेस्ट टीचर या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर एक बार इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा से इन्हें ही मौका देना चाहिए या फिर जो हमारे नए कैंडिडेट हैं उन्हें मौका देना चाहिए? तो इस तरह का सवाल मैंने आपसे करा था और मैंने उसमें इस बात पर जोर दे के कहा था कि आप इसका आंसर एज ए टीचर दोगे। तो दोस्तों, इस पर काफ़ी सारे लोगों ने आंसर किया। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई जो पुराने गेस्ट टीचर उन्हें हटा देना चाहिए और जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें मौका देना चाहिए, मतलब कि दोबारा से रिक्रूटमेंट निकालनी चाहिए गेस्ट टीचर की, उसमें अगर जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है चाहे वो पुराना वाला है या फिर नए वाला है, ठीक है, तो उसे मौका देना चाहिए। कुछ ये बोल रहे थे कि नहीं भाई, पुराने वालों को ही मौका देना चाहिए। कुछ ये बोल रहे थे कि भाई उनका टाइम पीरियड देख लो, अगर ठीक है काफ़ी टाइम से वो पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ही मौका दे दो। और बाकी दोस्तों, तरह तरह के उसमें आपके आंसर आए। तो जो मैंने सोचा था ना, ऐसा किसी ने भी आंसर नहीं दिया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक दो अभ्यर्थियों ने दिया है लेकिन वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें इस बात पे जोर दिया था कि जो आपको इसका आंसर देना है वो एक शिक्षक के रूप में देना है। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर आंसर किया। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में जो गेस्ट टीचर होते हैं, ठीक है, अब चाहे हम केवीएस एनवीएस या फिर डिजिटल प्रेस भी या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे किसी स्टेट लेवल पर कोई भी शिक्षक भर्ती निकली है गेस्ट टीचर की या फिर सेंट्रल लेवल पर निकली है, ठीक है, संपूर्ण भारत में जितने भी गेस्ट टीचर होते हैं, तो उनमें क्या होता है दोस्तों, गेस्ट टीचर में जो एज ए गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी पिसते हैं और जो हमारे नए कैंडिडेट होते हैं वो भी पिसते हैं। कुल मिला के सभी वो अभ्यर्थी पिसते हैं जो कि एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं सरकारी क्षेत्र में, चाहे एम पी आर टी टी जी टी पी जी टी किसी भी लेवल पर बात करें। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, मैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करके या स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करके कुछ नहीं बोल रहा, जो एक्चुअल चीज़ है ना वही आपको बोल रहा हूँ और ये अभी से नहीं पहले से चला आ रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, उसे शिक्षक चाहिए होते हैं, वो गेस्ट टीचर ले लेती है। अब वो एज ए गेस्ट टीचर लेके उन्हें उससे बतौर पूरा वो काम कराती है जो कि एक परमानेंट शिक्षक से कराया जाता है, ठीक है, होते वो गेस्ट टीचर, काम उनसे वो पूरा कराया जाता है कि जो कि एक परमानेंट शिक्षक होते हैं। और जब सैलरी देने की बात आती है तो दोस्तों, उनकी सैलरी सीधा आधी हो जाती है, मतलब कि कम पैसों में पूरा काम कराया जाता है। और ये अच्छी चीज़ है कि हम टीचिंग फील्ड के हैं, ठीक है, तो टीचिंग में ऐसा कम देखने को मिलता है लेकिन कम है औरों की अपेक्षा, चाहे हम सिंचाई विभाग की बात करें या फिर जल विभाग और अन्य अन्य जितने भी विभाग है, उसमें मैक्सिमम क्या होता है, जो परमानेंट एम्प्लॉई होते हैं ना वो काम नहीं करते, जो गेस्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर लगे होते हैं वही काम करते हैं मैक्सिमम जगह, छोटे लेवल पे मैं बता रहा हूँ। अब ये टीचर भी दोस्तों छोटे लेवल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, यहाँ इंडिया में ऐसा ही है, टीजीटी पीजी पीआरटी बी ग्रेड में आते हैं, ठीक है, मैं अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब मिडल लेवल आप बोल सकते हैं, ठीक है, मिडल लेवल और लोअर लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होते हैं, जो टीचिंग का तो ठीक है, टीचिंग का दोस्तों, टीचिंग से मेरा तात्पर्य केवीएस एनवीएस या फिर हम दिल्ली में जो हमें शिक्षक देखने को मिलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के स्कूल्स में, तो इनमें ठीक है, बाकी कोई गाँव वाँव का स्कूल है तो दोस्तों उसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ तो ठीक है चलो मेहनत करते हैं, लेकिन जो अदर फील्ड होती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया सिंचाई विभाग बिजली विभाग या फिर आपका जल विभाग, इतने सारे डिपार्टमेंट है, इसमें परमानेंट वाले कम काम करते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। और सैलरी किन्हें ज़्यादा मिलती है, सैलरी परमानेंट वालों को ज़्यादा मिलती है, सेम ये वाला सीन जैसे मैंने अभी आपको बताया टीचिंग में भी है, ठीक है। तो गेस्ट टीचर से पूरी तरह वो काम कराया जाता है कि जो कि एक परमानेंट शिक्षक को करना चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है वो गेस्ट टीचर है, ठीक है, वो परमानेंट जितना काम करेंगे क्योंकि वो तो टीचर है करेंगे, लेकिन इससे अलग जब सैलरी की बात आती है तो सैलरी दोस्तों उनकी आधी हो जाती है। चलो कोई नहीं, हम सैलरी को भी एक तरफ रख देते हैं। अब इससे होता क्या है, जो गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें हमेशा खतरा लगा रहता है कि कभी भी उन्हें निकाल सकते हैं। काफ़ी जगह तो दोस्तों प्रिंसिपल के हाथ में होते हैं, प्रिंसिपल चाहे तो उन गेस्ट टीचर्स को निकाल सकता है, ठीक है, तो ये खतरा लगा रहता है। अब कुछ क्या होते हैं, काफ़ी की जॉब नहीं लगती, ठीक है, तो एज वगैरह हो जाती है तो शादी वगैरह कर लेते हैं और वो एज ए गेस्ट टीचर किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तो उनका जो पूरे परिवार का भरण पोषण चलता है वो उसकी गेस्ट टीचर वाली नौकरी से चलता है। तो उस अभ्यर्थी के मन में भी ये डर लगा रहता है कि कभी भी उसे बर्खास्त कर सकते हैं, कभी भी उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर जब उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा जब वो क्या करेगा। एक तो ये हो गई, गेस्ट टीचर को एक खतरा लगा रहता है कि सैलरी कम दे रहे हैं, हमेशा खतरा बना रहता है, और बहुत सारों को तो कभी भी निकाल दिया जाता है, ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उन्हें निकाल दिया जाता है, या फिर किसी परमानेंट टीचर की ज्वाइनिंग होती है जब उन्हें निकाल देते हैं, तो ऐसा बहुत सारा खतरा रहता है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों, इसमें जो आपको परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है वो निश्चित रूप से प्रभावित होती है,
क्योंकि जो ये शिक्षा प्रणाली में हमें टारगेट करके चलते हैं, ठीक है भाई इतने पर्टिकुलर छात्रों पे इतने शिक्षक होने चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन इनका तो काम चल रहा है क्योंकि इन्होंने तो स्कूल में टीचर्स की पूर्ति करनी है, अब ये तो गेस्ट टीचर लेके कर लेंगे। तो दोस्तों आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। अब मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह प्रभावित होती है, लेकिन दोस्तों काफ़ी हद तक प्रभावित होती है हमारी परमानेंट रिक्रूटमेंट। अब गेस्ट टीचर भर लेते हैं, सारे काम इनके चल रहे हैं गवर्नमेंट के, जो ये ज़्यादा पैसों में और जितना काम करवा रहे थे वही चीज़ इन्हें पूरा काम करवाते हैं, लेकिन उतना उसे तो काम पूरा कराया जाता है लेकिन कम पैसों में कराया जाता है। तो यहाँ गवर्नमेंट का फ़ायदा और पूरा गवर्नमेंट का उस पर जोर रहता है, क्योंकि उस अभ्यर्थी को जो परमानेंट होते हैं, ठीक है उन्हें भी डर होता है, लेकिन परमानेंट दोस्तों एक तरह से सेफ होते हैं, उन्हें कोई इस तरह का डर नहीं कि भाई जब चाहे गवर्नमेंट हमें निकाल दे, लेकिन जो गेस्ट होते हैं उन्हें निश्चित रूप से दोस्तों इस चीज़ का डर बना रहता है। तो पूरा दबदबा रहता है, गवर्नमेंट का काम पूरा हो रहा है, स्वामित्व पूरा स्थापित करिए गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर गेस्ट टीचर के ऊपर, ठीक है, और उसे सैलरी भी कम दी जा रही है, तो हर तरह से गवर्नमेंट का फ़ायदा है, लेकिन जो हमारे अभ्यर्थी वो पिस रहे हैं। अब दूसरी नज़र में देखेंगे हमारी परमानेंट रिक्रूटमेंट जो जिसमें प्रभावित होती है, उससे दोस्तों में काफ़ी कम परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो इससे जो हमारे नए कैंडिडेट होते हैं उन्हें भी समस्या देखने को मिलती है। तो कुल मिला के कैंडिडेट का भी घाटा है, जो हमारे नए कैंडिडेट हैं या फिर जो पुराने काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि वो कहीं टीचर नहीं है और वैसी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, और जो हमारे नए नए निकल के आ रहे हैं GBT BTC DIIT BEd इत्यादि करके शिक्षा के क्षेत्र में 1 वर्ष या 2 वर्ष या डिप्लोमा प्राप्त या डिग्री प्राप्त करके, और प्लस जो हमारे गेस्ट टीचर बतौर पढ़ा रहे हैं, इसमें सबका घाटा है, इसमें सब पिसते हैं। बस फ़ायदा किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और मैं दोस्तों दोबारा से बोलना चाहूँगा, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, पहले से चला आ रहा है, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसकी बात करें। तो दोस्तों अब मैंने क्या सोचा था कि आपका क्या आंसर होना चाहिए था, ऐसा सोचा था मैंने, एक दो अभ्यर्थियों ने ये वाला भी आंसर दिया, ठीक है, तो होना ये चाहिए था, जब भी मैंने आपको बोला था कि एज ए टीचर आप उसको आंसर दोगे। अब एज ए टीचर मैंने इसलिए बोला था, जितनी बात पूछी गई उतने उसको आंसर नहीं देना, एक बार विस्तारित रूप से चिंतन करना है, उसके बाद ही उसका आंसर देना है। तो दोस्तों मैं अपने विचार बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो हमारे गेस्ट टीचर वाली स्कीम है ख़त्म ही कर दो। मैं टीचिंग की नहीं बात कर रहा, अदर फील्ड में जितने भी गवर्नमेंट हमारे सेक्टर हैं, ठीक है, वहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट होती है उन्हें सबको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा चैनल टीचिंग से संबंधित है तो इसलिए हम टीचिंग की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो टीचिंग में ये गेस्ट टीचर वाला हिसाब या कॉन्ट्रैक्ट टीचर वाला हिसाब ख़त्म कर देना चाहिए। अब दोस्तों इसे ख़त्म कर देंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको हमेशा परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि टीचर्स रिटायर होते हैं, ठीक है, और हमारे छात्रों की संख्या भी हमेशा बढ़ती रहती है। हर 6 महीने के आंकड़े निकाल, हर साल के आप आंकड़े निकाल के देखो, हमेशा छात्रों की संख्या बढ़ती है, घटती कभी नहीं, हमेशा बढ़ती है, ठीक है। अगर छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है इसमें 30 छात्रों के ऊपर एक टीचर रखने की बात की जाती है, 30 के आसपास छात्र होते हैं उस पर एक टीचर होना चाहिए, ठीक है, तो इतना लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो इन्हें रिक्रूटमेंट भी निकालनी पड़ेगी, अगर गेस्ट टीचर ही नहीं होंगे तो दोस्तों टीचर्स कहाँ से आएंगे, इन्हें परमानेंट टीचर्स ही लेने पड़ेंगे ना, तो इसलिए ये परमानेंट ये गेस्ट टीचर वाला हटा देना चाहिए साहब। अब इसमें क्या होगा, एक बार गेस्ट टीचर वाले इन्होंने हटा दिया, जो पहले से गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे हैं उनका क्या होगा, इसमें क्या करना चाहिए, जो हमारी एग्ज़ाम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक तो एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो जो मेरिट पर जितनी भी जॉब लगती है ना, गवर्नमेंट क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरिट पे लगती हैं, वो कहीं ना कहीं गलत होती हैं। अब ठीक है, आप अच्छे से मेहनत करके आए हैं, आपके साथी अच्छे से मेहनत करके आए हैं, लेकिन आपको उसमें काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने फ्रॉड तरीके से अपनी डिग्री प्राप्त करी होती है। अब जो फ्रॉड तरीके से अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं, ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से करते हैं, और उसमें उनकी जो परसेंटेज होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब मैंने यहीं DSSB में DSSB में देखा था, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में, उन्हें आता जाता कुछ नहीं, सभी की नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे थे उन्हें आता जाता कुछ नहीं, पता नहीं कहीं आए, कहीं से आए थे, और उनकी जो डिग्री थी ना दोस्तों 90 से तो कम किसी में मार्क्स थे ही नहीं उनके, तो उन्हें क्यों ना रिक्रूटमेंट मिलेगी। तो इसलिए जो केवल मेरिट के बेस पर रखते हैं वो सबसे ज़्यादा गलत है, ठीक है। मेरिट को आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी भर्ती आप मेरिट बेस पर रख रहे हैं वो गलत है, ठीक है। परीक्षा हमेशा होनी चाहिए, अगर दोस्तों परीक्षा होगी तो परीक्षा में तो वही अभ्यर्थी सफल होगा ना जो मेहनत करके आया है। अब वो चीज़ अलग है, देखो कमियाँ आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी, यहाँ परमानेंट रिक्रूटमेंट के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपको धांधलीबाजी देखने को मिल जाती है। मैं यहीं की नहीं बात कर रहा, संपूर्ण विश्व की बात कर लो, धांधलीबाजी आपको हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये हमारा कलयुग चल रहा है। लेकिन जो हमारी परीक्षा होगी ना उसमें मैक्सिमम जो अभ्यर्थी होंगे, जो मैक्सिमम टीचर्स होंगे, वो मेहनत वाले होंगे। 100 में से 1, 2, 3, 4 बंदे धांधली करके लग भी गए वो बात अलग है, लेकिन जो मैक्सिमम होंगे वो हमारे मेहनत वाले होंगे। और दोस्तों अगर एक शिक्षक अच्छा होगा ना किसी भी देश का, तो निश्चित है दोस्तों वो देश विकास क्यों नहीं करेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम लेना चाहिए आपका, एग्ज़ाम में दोस्तों जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो तो इसलिए उन्हें कुछ छूट दे दो उसमें,
ठीक है भाई, आप एज ए गेस्ट टीचर या फिर एज ए कॉन्टैक्ट टीचर इतने समय से पढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको छूट मिलनी चाहिए। एग्जाम ले रहे ठीक है, एज में छूट दे दो या फिर उनके मार्क्स में मेरिट में कहीं भी छूट दे दो, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ छूट दे रही है। लेकिन उन्हें दोस्तों अगर वो एक काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें छूट तो मिलनी चाहिए। तो इसमें दोस्तों दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्हें भी परमानेंट टीचर बनने का मौका मिल जाएगा, बाकी जो गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं एज ए गेस्ट टीचर उनके भी दोस्तों कहीं ना कहीं उन्हें छूट देखने को मिलेगी। तो अगर वो सच में वाकई में काबिलियत रखते होंगे उस शिक्षक पद के लिए तो उनकी भी रिक्रूटमेंट हो जाएगी वहीं। तो दोस्तों मेरे विचार में तो ये होना चाहिए, बाकी सबके विचार अलग हो सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। तो लोकतांत्रिक देश का मतलब ये होता है सबको अपने मत, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। ठीक है, मैंने अपने विचार आपके सामने रख दिए, शायद से आपके विचार अलग हों, आपके साथी के विचार अलग हों, जब भी तो पता चलेगा ना हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। तो दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों ने ऐसे भी आंसर दिए थे कि गेस्ट टीचर वाली स्कीम खत्म कर देनी चाहिए, काफ़ी अच्छी बात है ठीक है, लेकिन उनकी संख्या 2-3 ही थी बस, बाकी मैक्सिमम थे कि भाई गेस्ट टीचर पुराने वाले हटा दो, नए वालों को मौका दो, कुछ ये कह रहे थे नहीं पुराने वाले को रखो, सबके तरह तरह के जवाब थे। तो दोस्तों जो मैंने आपको चीज़ें बताई, शायद से कुछ हमारे सब्सक्राइबर हो सकते हैं इस विषय में पहले से भी जानते हो ठीक है, लेकिन देखो होना एक्चुअल ऐसी चाहिए इसमें, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ होगी ना तो दोस्तों अभी तक जो हमारे टीचर्स पिछते आ रहे हैं ना या फिर जो हमारे कैंडिडेट हैं जो एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं सरकारी क्षेत्र में, तो उनके साथ गलत नहीं होगा। फिर हर तरह से दोस्तों अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा इसमें, एक्चुअली फ़ायदा तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन जिस चीज़ के लिए वो सक्षम है तो वो चीज़ के लिए काबिलियत रखते हैं वो चीज़ उन्हें मिल जाएगी। फ़ायदा क्या दोस्तों, मुफ्त में थोड़ी नौकरी मिल रही है, उस चीज़ के लिए वो मेहनत करेंगे जब भी तो उनकी रिक्रूटमेंट होगी। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, अब इस वीडियो को आप लाइक करते नहीं करते तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भावी शिक्षकों तक ये वाली बात पहुँच जाए। बाकी दोस्तों अगर आप एक टीचर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे इस खासियन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें हम टीचिंग से संबंधित हमारी सारी वीडियोज़ होती हैं। और बाकी जैसे कि हमारे देश में और विश्व में दयनीय स्थिति चल रही है तो इसे लेकर आप घर पर रहिए और सेफ रहिए। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।